नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। आए दिन घट रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर मुरादाबाद में जमीयत ए उलेमा के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा है। सूबा झारखंड में जनाब शम्स तबरेज अंसारी के साथ जो वाकया और मॉब लिंचिंग हुई है वो इंतहाई खतरनाक और इंतहाई दरिंदगी का सबूत दिया है उन लोगों ने। उसी के लिए हमारी जमीतलमा शहर मुरादाबाद के अध्यक्ष मौलाना याहिया कासमी नक्शबंदी और मैं अब्दुल जलील कासमी, इसी तरीके से और हमारी पूरी जमीतलमा की बाडी शहर मुरादाबाद की आई हुई है। हम गम व गुस्सा का इजहार करते हैं, हम दर्द का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह का तरीका हमारे मुल्क में हरगिज अच्छा नहीं है और इस तरह से मुल्क टूट जाएगा और मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। हम हुकूमत हिंद को यह आवाज़ देना चाहते हैं, अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि इस तरह के हालात से कंट्रोल करें। मुल्क ही मुल्क के तमाम सूबे में, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम अजला में इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही और ये बहुत बुरा और ख़तरनाक है, मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है, लोगों के लिए और एक दरिंदगी का अमल है। लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं और बुराई करते हैं। इसी के मेमोरेंडम देने के लिए हम यहाँ पर जिला अधिकारी के पास आए हुए हैं और हमने अपना मेमोरेंडम दिया।